हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी लेकर आया हूं। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक नई नई वैकेंसियां लेकर आता रहता हूं। इस वैकेंसी के बारे में आपको पता कैसे चलेगा? पता तभी चलेगा जब आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और सब्सक्राइब के साथ साथ ऑल बटन जो है उसको ऑन किया है। लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल बटन ऑन कर लीजिएगा, तभी आपको वैकेंसी के बारे में या अदर कोई भी न्यूज आती है उसके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये वैकेंसी आई कहाँ है? तो ये वैकेंसी आई है राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत आई है। ठीक है, पोस्ट का नाम जो है, ये पोस्ट का नाम रखा गया है लॉ ऑफिसर, आपके पोस्ट का नाम है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि फॉर्म इसका स्टार्ट कब से होगा, एज क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, एज जो बताई गई है इसकी, मिनिमम आपकी 18 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है ये 40 ईयर्स रखी गई है एज। नेक्स्ट, योग्यता की बात की जाए, एलिजिबिलिटी की बात की जाए, तो सिंपल आप लॉ पास आउट होना चाहिए, अर्थात जो फ्रेशर है, जो अभी अभी जिन्होंने एलएलबी पास किया है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एलएलबी में आपका 3 साल का चाहे आपने किया, चाहे आप 5 साल का किया हो, दोनों ही मान्य है, लेकिन शर्त एक रहेगी कि आपने एलएलबी जो है 60% मार्क्स से आपने पास आउट किया हो एलएलबी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहां ये बात ध्यान देने वाली है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फॉर्म आपका कब से स्टार्ट हो रहा है? तो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 18 अक्टूबर से फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट जो रखी गई है वो 17 नवंबर इसकी रखी गई है। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो पोस्ट आपका 2 पोस्ट निकाले गए हैं। ठीक है, अब देखिए, यदि आप हर वैकेंसी में यही देख के छोड़ दें कि सिर्फ 2 ही पोस्ट निकाली गई है, मैं नहीं भरूंगा, तो आप ये समझिए मैं अधिकतर वैकेंसी बताता रहता हूं, लॉ की देखिए कम ही पोस्ट निकलती है, उसमें आप देखेंगे कहीं 2 निकली है, कहीं 4 निकली है, तो ऐसे करके निकलती रहती है। तो ऐसे कई वैकेंसी मैं आपको बताता रहता हूं, तो यदि आप ऐसे छोड़ते जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आप सिर्फ यूपी जुडिशी और एपीओ के भरोसे ही है। ठीक है, इसके अलावा भी और वैकेंसियां हैं जहां आपको प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जब वैकेंसी निकल रही है तो आप लोग प्लीज वहां फॉर्म भरिए। ठीक है, होना ना होना वो बात की बात है, किस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा कोई नहीं जानता, भरने वाले फॉर्म भरते हैं और होता भी है। ठीक है, तो फॉर्म निकलेगा तो आप इसको भरिएगा। जो पोस्ट है ये 2 है, ये किसके लिए? ये अनरिजर्व वालों के लिए निकाली गई है। ठीक है, जनरल वालों के लिए है। अब देखिए, जो ये पूरा आपका नोटिफिकेशन है ये मिलेगा कहां आपको? ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगा environment.rajasthan.government.in/rtcb के वेबसाइट पर आपको ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ रही बात सिलेबस की, अगर हम बात करते हैं तो सिलेबस जब आप इसका इस वेबसाइट पे जाएंगे, नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड करेंगे, तो उसी में सिलेबस भी मेंशन है। हालांकि सिलेबस जो है काफी बड़ा था, इसलिए लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती, टाइम जाता मेरा, तो आप एक बार वहां पढ़ लीजिए, सिंपल वे में आपका लिखा गया है कि क्या क्या आपसे क्वेश्चन, क्या क्या पेपर वहां पे मेंशन है, क्या पढ़ना है आपको, वो सभी चीजें उस सिलेबस में बताया गया है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी मैंने चीजें आपको बता दी हैं। तो यहां तक बताई गई जो न्यूज है, ये आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ ये जो चीजें हैं मैं कहां पे पोस्ट करता हूँ, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, मैंने कई बार बताया है आपको कि यही पर मैं आपको शेयर करता हूँ, शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से ये टेलीग्राम ग्रुप है। इसका जो पूरा आपको यदि नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं इसी टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, तो आपको ये तभी मिलेगा जब आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए होंगे। ठीक है, साथ ही साथ
आप यदि जुडिशरी की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी स्टेट की, जैसे मान लीजिए कि राजस्थान जुडिशरी हो गई, यूपी जुडिशरी हो गई, या किसी भी स्टेट की, राजस्थान जेएलओ हो गया या यूपी एपीओ हो गया, या किसी भी स्टेट की आप जुडिशरी एपीओ की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप बताएंगे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।